नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। मेरठ के थाना मवाना क्षेत्र में बजरंग दल के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया और वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। वहीं आपको बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाया है कि SHO मवाना ने पहले तो बीते दिनों पकड़े गए पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी करने वाले युवक को देशद्रोही की धारा लगाई है और उसके बाद धारा में फेरबदल कर डाला, जिससे आक्रोशित होकर बजरंग दल के कार्यकर्ता आज थाने के बाहर जमकर नारेबाजी करने लगे। आज थाना मवाना पर कुछ लोग एकत्रित हुए एक संगठन के नाम पर, और उनका कहना था कि उनकी कुछ समस्याएं हैं। उनकी समस्याएं थानाधीश मवाना, तहसीलदार मवाना तथा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मवाना, SDM मवाना द्वारा सुनी गई और उनके समाधान का आश्वासन दिया गया। उनकी जो समस्याएं थीं वो भी निराधार पाई गई, उनका कोई विधिक आधार नहीं पाया गया। अन्य कुछ समस्याएं जो उन्होंने गिनाई उनके लिए भी, उनके समाधान के लिए भी उन्हें आश्वासन दिया गया, परंतु इसके बाद भी उन्होंने संतुष्ट न होते हुए थाने के सामने सड़क पर जाम लगाने का प्रयत्न किया, जिसके कि वीडियो सामने आए हैं। शासन तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के और सभी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस प्रकार के माहौल में इस प्रकार की अराजकता अनुमन्य नहीं है, और इसी कारण इन पर आवश्यक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं आवश्यक विधि कार्यवाही की जा रही है। धन्यवाद। मंच के पैनल के नीचे हम मवाना थाने में धरना देने आए हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर मवाना द्वारा जो धाराओं का परिवर्तन हो रहा है। अभी दो तीन दिन पूर्व एक युवक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, और इंस्पेक्टर मवाना ने पहले उसमें 124 के धारा लगाई देशद्रोह की, अब उसको बाद में पैसे लेकर हटा दी, अब 353 कह लगा दी। उन्हें धाराओं का बहुत ज्ञान है ना, आज आए हमसे धारा, हम लेकर आए अपनी IPC, आज उन्हें धारा हम बताएंगे। अपने एक कार्यकर्ता है दिग्विजय, उनके साथ मारपीट हुई, 3 महापुर उनके खिलाफ जो आरोपी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। अपने लवकुश शर्मा जी है उनके साथ मारपीट करी, उनकी बाइक लुटी, पुलिस ने वहां से बरामद करी बाइक उसके घर के बाहर से। इंस्पेक्टर साहब ने कि कैसे हमने 307 लगवा दी, उन्होंने कही 307 हटा दो, क्योंकि इसमें 307 बनती नहीं। उनके कहने पे हम उनकी बात मानते हैं, लेकिन वे हमारी बात नहीं सुनते, कार्यकर्ता किसी की नहीं सुनते। एक सागर है अपना कार्यकर्ता, उसके साथ मारपीट हुई, पूजा करते मारपीट हुई, जिसमें उसके सिर 4 जगह से उसका सर फटा, 3 उसमें फायर हुई, लेकिन पुलिस ने ना तो किसी को गिरफ्तार करा ना ही अब तक मुकदमा दर्ज करा। इसके खिलाफ हम जो ना धरना देने आए, कार्यकर्ता विरोध कर रहे, कार्यकर्ताओं में इतना विरोध है इंस्पेक्टर मवाने का, जब तक ये हटेंगे नहीं हम यहाँ से नहीं हटने के, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रात हो जाए, दिन हो जाए, चाहे एक दिन हो चाहे 2 दिन हो, आज हम इन्हें हटवा के यहाँ से हटेंगे।